नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो उनको दोस्तों अपना मार्कशीट कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आईटीआई का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस अपनाना है, इसको देखने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको दोस्तों इसको विजिट करना है। और आप लोग आईटीआई एग्जाम पर क्लिक करके आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। तो आईटीआई एग्जाम पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा, या फिर होम पेज में सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा सेक्शन आईटीआई मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 2023। आपको इस पर क्लिक कर देना है। रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों नीचे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आईटीआई मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 2023 दिया गया है, रिसेंटली एडेड में अभी है, ठीक। तो आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको वहां पर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कैसे आपको अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। अब देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीवीटी का, इस पे आप लोग पहुंच जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको कहां पे जाना है, ट्रेनी प्रोफाइल पे, ठीक। ट्रेनी प्रोफाइल पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए जो आपका है यहाँ पर आगे आपका जैसे कि 00 से अगर स्टार्ट हो रहा होगा, 00, 20 और इस तरह से 80, इस तरह से अगर दोस्तों आपका चालू हो रहा होगा किसी नंबर से, तो आपको दोस्तों क्या करना है, आगे का ये जो 00 है ना, इसको आपको दोस्तों हटा देना है। हटा के इसके जगह पर आपको कैपिटल आर लिखना है इस तरह से, और इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है वो आप अपने यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। इस तरह से दोस्तों आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फादर नेम देखिए कैसे डालना है, तो जैसे कि किसी के पिताजी का नाम है अमन कुमार, तो पहला अक्षर जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर, तो अमन। इसके बाद स्पेस दीजिएगा, कुमार का जो पहला अक्षर रहेगा वो आपका कैपिटल में रहेगा, फिर इसके बाद सब स्मॉल लेटर में रहेगा। इस तरह से दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम लिख लेना है इसी फॉर्मेट में, ठीक। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप अपने कैलेंडर से चूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी का 2000 है, फरवरी 1 फरवरी 2000 है, यहाँ पर इसी फॉर्मेट, या तो अगर आप लिख पाए तो इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, या फिर कैलेंडर से चूज कर लीजिए, ठीक। तो इसी तरह से पूरा आपको अपना डिटेल डालना है। और ये जो कैप्चा कोड है दोस्तों यहाँ पर डाल के, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर देखिए रिमेम्बर मी का एक ऑप्शन है, इस पर चेक करके और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपका जो ट्रेनिंग प्रोफाइल है वो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेशन दिखाई देगा, यहाँ पर आपका एडमिशन डेट दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका फोटो, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पिताजी का नाम, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर दिखाई देगा, और इसके बाद यहाँ पर आपके माता जी का नाम। अब इसके बाद दोस्तों जब आप लोग नीचे जाएंगे, इसको नीचे करेंगे तो देखिए इसके नीचे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिटेल आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हार्ड टिकट एलिजिबिलिटी में आपको जाना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्कशीट का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना फर्स्ट ईयर का मार्कशीट देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग सेकेंड ईयर का मार्कशीट देख सकते हैं, और यहाँ से देखिए आप अपना जो सर्टिफिकेट है आप अपना प्रिंट सर्टिफिकेट कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड मार्कशीट का दोस्तों ये ऑप्शन है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर प्रिंट सर्टिफिकेट और ये आपका मार्कशीट है। ऐसे मार्कशीट पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए मार्कशीट डाउनलोड इज अंडर मेंटेन एंड विल बी अवेलेबल आफ्टर 30 डेज, तो दोस्तों 3 दिन के बाद ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। इस तरह से दोस्तों आप अपना यहाँ से मार्कशीट अपना डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मार्कशीट डाउनलोड इज अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद दोस्तों आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा। यही प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ से आपका मार्कशीट होगा फर्स्ट ईयर का, यहाँ से सेकेंड ईयर का, और इसके बाद यहाँ से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। सर्टिफिकेट देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ, देखिए ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों देखिए जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक।
एक आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन, यहाँ पर जो लिखा है इसी नाम से आपको दोस्तों सर्च करना है। ठीक, जैसे सर्च करेंगे इस पेज पर पहुंच जाएंगे और आईटीआई एग्जाम पर आप लोग क्लिक करिएगा, आप लोग डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। यहां से आप अपना देख सकते हैं या फिर आईटीआई मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सबसे लास्ट में जाइएगा आईटीआई एग्जाम में, देखिए आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।